गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे और यह जो एग्जामिनेशन 13 सितंबर 2020 को हुआ है तो उसके G3 सेट जो है उससे बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर 2 होगा जहाँ पर दिया हुआ है हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ऐसा क्यों होगा, तो 11th क्लास का NCERT बुक आप निकालें और उसका पेज नंबर 274। तो ये NCERT 11th क्लास का बुक जिसका पेज नंबर 274 है और ये हेडिंग क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के केस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्वोलाई के केस में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो हो जाता है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं। तो किस केस में, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट ब्राउट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो इसका जो आंसर है वह 2 है जिसमें BCD आते हैं। तो चलिए इसके आंसर को NCERT बुक से देखते हैं, 12th क्लास का NCERT बुक, पेज नंबर कितना है 132। तो 132 को देखते हैं तो ये आपका 132 12th का NCERT बुक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, तो अगर इस पैराग्राफ को आप स्टडी करते हैं तो जहाँ पर आप हर्मिसाइड्स भी देखेंगे, ड्रग्स अगेंस्ट यूकेरियोटिक भी देखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, BCD। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चंस में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। तो सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जिब्रेली के एसिड्स होंगे और ये आपके 11th क्लास के NCERT के बुक पेज नंबर 259 में दिया हुआ है। तो चलिए 259 को देखते हैं, पेज नंबर 259। सो 249, तो 249 को देखते हैं। तो 249 के केस में आप देखेंगे कि ये जो जिबरेलिक एसिड हैं स्पेशली ये इंक्रीज लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस गवर्निंग द सीड डोरमेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, जिबरेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मैचिंग है, तो मैचिंग करना है। टाइफाइड का मैचिंग किससे होगा, चारों में से निमोनिया का मैचिंग किससे होगा, तो चलिए इसका आंसर 12th क्लास के NCERT बुक में देखते हैं जिसका पेज नंबर कितना है 146 और 149 में। तो सबसे पहले टाइफाइड को ही देख लेते हैं, तो आते हैं पेज नंबर 146। तो चलिए NCERT बुक 146, तो इस 146 देख रहे हैं और इसमें क्या है, साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस टाइफाइड। तो क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पर टाइफाइड है और इस टाइफाइड का आंसर क्या होगा, साल्मोनेला, यानी ए का जो हो जाएगा वह थर्ड होगा। तो ए का थर्ड किस में है, तो सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं। तो इसी के हेल्प से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी देखने की कोई आवश्यकता भी नहीं। ऐसे आप सारे जानते हैं कि निमोनिया जो होते हैं उसके बारे में भी आपको आइडिया होगा कि निमोनिया किससे हो जाएगा, तो बी का क्या देख रहे हैं, हीमोफिलस फलेरियास, तो जानते ही हैं कि वो चिलेरिया साहब होते हैं, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम। तो ये पेज नंबर 146 से 149 सिर्फ टाइफाइड का आंसर जान जाते हैं तो उसी के बेसिस पर हम आंसर कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कहते हैं सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इसमें जो आंसर आता है वह आंसर होगा ए एंड बी। तो ए में है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम,
और बी में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि पेज नंबर 270 से 271 11th एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5, तो 270 निकालते हैं हम लोग, 270। तो 270 में जो ये फर्स्ट डायग्राम है, ये ए डायग्राम किससे रिलेटेड है, इंस्पिरेशन से। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये दो पॉइंट्स हैं। और आप अगर इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम है, जबकि ऑप्शन में डिक्रीज कर दिया है। फिर है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस, लेकिन वहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस 5 का आंसर क्या होगा, 4 होगा ए एंड बी, जिसका आंसर 11th के एनसीईआरटी पेज नंबर 270-271 में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देख रहे हैं कि द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को इंजाइम इन फोटो रिस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है वह फर्स्ट है, वन मोलिकुल ऑफ 3C कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके पास 3 कार्बन एटम है और वह वन मोलिकुल है। इसका आंसर जो देखेंगे 11th के एनसीईआरटी में पेज नंबर 220 में। तो चलिए पेज नंबर 220 को निकालते हैं, पेज नंबर, तो ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 220 हो गया, 220। और इसमें जो देख रहे हैं कि रूबिस्को इन स्टीड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू टू मोलिकुल्स ऑफ PCA बाइंड्स विथ O2 टू फॉर्म वन मोलिकुल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके पास 3 कार्बन एटम होते हैं, वन मोलिकुल है। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और ये आंसर आपको कहाँ मिल गया है, 11th एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 220 में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स, तो इसका आंसर जो है वह PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की ओर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, 8 को जब हम लोग देखते हैं, तो इस 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड विथ द हेल्प ऑफ, तो आंसर इसका क्या, इथिडियम ब्रोमाइड इन UV रेडिएशन। तो ये आंसर कहाँ मिलते हैं, तो NCERT 12th क्लास का बुक पेज नंबर 190। तो चलिए 190 निकालते हैं, तो इस 198 में देख रहे हैं कि सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA विथ ए कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पर जो इथिडियम ब्रोमाइड जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप इथिडियम ब्रोमाइड देख रहे हैं, तो ये एक्सप्लोर कहाँ पर होते हैं, यूवी रेडिएशन में। तो ऑप्शन को देखें, तो इस ऑप्शन में हमको इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, जो कि 12th क्लास के NCERT बुक के पेज नंबर 198 में है। देन आफ्टर QRS कम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 11th NCERT के पेज नंबर 286 में है। तो 286 को हम निकालते हैं, 286, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि द QRS कम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और ये पेज नंबर कितना में, 286 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि द QRS कम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो कि NCERT 11th के 286 पेज नंबर में आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 के केस में क्या कहता है कि प्लांट्स पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, तो सिंपल सा यह मेल और फीमेल के बारे में पूछ रहा है। तो मेल से रिलेटेड आपके पोलन ग्रेन्स जो इनसाइड एंथर हैं, और फीमेल के केस में आप सभी जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, तो इसका आंसर ए एंड डी होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें क्या कहता है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर 147 में है एनसीईआरटी 12th की बुक में। तो चलिए 147 निकालते हैं, 147 और 147 जब ये पेस निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म। तो इसका जो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं वह क्या हो जाएगा, स्पोरोजॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं वह एनसीईआरटी जो 11th का पेज नंबर 96 में देखेंगे इसका आंसर। तो 96 निकालते हैं, 96 96 एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो किसके बारे में पूछ रहे हैं, तो सेपवुड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी। और जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेपवुड जो है वह पेरीफेरल रीजन है सेकेंडरी जाइलम का। पेरीफेरल मतलब आउटर साइड के हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनर मोस्ट, तो ये गलत हो गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 2। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स किसके एग्जांपल्स हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 131 में मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 131 में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के केस को देख रहे हैं यहाँ पर। उसके नीचे आए तो यहाँ क्या है, एनालॉगी मतलब एनालोगस ऑर्गेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, एनालॉगी के केस में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आते हैं। और यहाँ पर भी देख रहे थे कि यहाँ पर हेडिंग क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जिसके नीचे एनालॉगी या एनालोगस ऑर्गेन, जिसके एग्जांपल्स में फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो ये पेज नंबर आपको कितना में मिल जाएगा, ये पेज नंबर जो आप देख रहे हैं 131 में। अब देख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन आई डेट कंट्रोल्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 12th क्लास के एनसीईआरटी में पेज नंबर 77 में। तो 77 को निकालते हैं, ये आपका पेज नंबर जो है 77 है। और इसमें जो पैराग्राफ्स हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, ये अपनी अपने टाइप्स ऑफ शुगर पर रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में ये जो लाइन देख रहे हैं कि द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। तो इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो आंसर आपका जो होगा 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो इसको सही ढंग से आप पेज नंबर 77 से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, तो 15 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम क्वाड्राटा। तो क्वाड्राटा के लिए ट्रू क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका आंसर बी एंड सी है। तो बी, इन्वर्टिब्रेट के केस में कहता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वह डोर्सल होल होते हैं। इसका आंसर कहाँ है, तो 11th क्लास में एनसीईआरटी बुक को देखेंगे पेज नंबर 55। तो अगर हम लोग 55 निकालते हैं, 55 तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भट्टी ब्राटा जो है इसके पास पोजेस्ट नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। और साथ में यहाँ पर जो देख रहे हैं जो क्वाड्राटा के केस में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सल होलो सिंगल है। तो इसके बेसिस पर जो आंसर हो जाएंगे आपके 3, B and C। आप एनसीईआरटी बुक से भी इसको सही ढंग से समझ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन एंड इन इंडिकेटिव
ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो इसका आंसर जो है वह 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में 298 पेज में, तो चलिए 298 को देखते हैं हम लोग। 298 तो एनसीईआरटी का ये 11th क्लास का, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज केटोनूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो आपका ये आंसर सेकंड सही है जो कि पेज नंबर 298 में मिला। क्वेश्चन नंबर 17 है जो है क्या द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, तो इसका आंसर क्या है इमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, और ये जो आंसर मिलेंगे पेज नंबर 114 में 114 में, तो चलिए 114 निकालते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि द फर्स्ट फेज वह क्या है इमिनो एसाइलेशन, हेडिंग क्या है ट्रांसलेशन, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर 17 का जो देख रहे हैं वह 2 इमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए जो मिला पेज नंबर 114 में 114 में। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18 है रेफ्लोरेट्स हैव, इसमें इन्फीरियर ओवरी होते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 11th एनसीईआरटी पेज नंबर 73 में। तो चलिए 73 की ओर मूव करते हैं, पेज नंबर 73। तो ये एनसीईआरटी का बुक 11th का पेज नंबर 73, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे गौर से देखेंगे कि ओवरी इज क्या कहा जा रहा है से टू बी इन्फीरियर किसके केस में है, तो गोभा है कुकुम्बर है और साथ में रे फ्लोरेट्स हैं। तो देखिए गोभा और कुकुम्बर को छोड़ दिया क्योंकि जानता ये आसानी से याद किया जा सकता, लेकिन जानबूझ के क्या पूछा तो रे फ्लोरेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, तो 19 में क्या देख रहे हैं, 19 में देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो इसका लॉग फेज होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, इसका आंसर क्या होगा लॉग फेज। लॉग फेज 11th एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 243 में 243 में देखेंगे, तो चलिए 243 को देखते हैं। ये आपका पेज नंबर 243, और इसमें आप देख रहे हैं कि लॉग है और एक्सपोनेंशियल फेज इसमें इंक्रीज करता है, इसमें क्या करता है और लैग जो है इसमें स्लो करता है, तो लॉग जो है इंक्रीज के केस में है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि इंक्रीज मतलब ग्रोथ जो है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा इंक्रीज के केस में, तो लॉग फेज इसको इसका आंसर कहाँ देखें 243 में, किस बुक में तो 11th के एनसीईआरटी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो देख रहे हैं कि द रूट्स डेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ एस्टेम, तो इसका आंसर फाइब्रस रूट होगा, और ये आपको आंसर जो है यहाँ 12th ने ये 11th एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे जिसका पेज नंबर 66 होंगे, पेज नंबर 66। तो देख लें कि यहाँ पर देखिएगा बेस ऑफ द एस्टेम फाइब्रस रूट, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था वह हम लोग का फर्स्ट था कि बेस ऑफ एस्टेम तो फाइब्रस रूट, तो ये 11th क्लास, तो यहाँ 12th नहीं होंगे ये 11th होंगे, 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 66 में मिल गया। उसके बाद है क्वेश्चंस द वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस, तो इसका इंसेक्ट्स और विंड होंगे, ये 12th क्लास से क्वेश्चन है, तो चलिए इसका पेज नंबर एनसीईआरटी का 29 निकालते हैं। तो पेज नंबर 29 तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग
वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इसकी किस्म इंसेक्ट्स और विंड, जो यहाँ पर हम भी एनसीईआरटी बुक में टिक कर चुके, और ये पेज नंबर कितना में है, 29 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया, 4 इंसेक्ट्स और विंड। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इंटू एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट क्लास 12th माइक्रोब्स में चले जाएंगे, पेज नंबर 184। इसका आंसर क्या है, एक्टिवेटेड स्लज एनएरोबिक स्लज के केस में है इसका, तो पेज नंबर 184 निकालेंगे, पेज नंबर 184। देखिए आपको समझाने का मेरा पर्पस है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लगभग 85-86 के अप्रॉक्स पूछे गए हैं। तो ये आपका पेज नंबर 184, और यहाँ पर देख रहे हैं आप एक्टिवेटेड स्लज, और इसको जब आप रीडिंग देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर तक आप पहुँच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बैठ जाएगा कि ये आंसर जब इसको रीडिंग देंगे तो एक्टिवेटेड स्लज आएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा एक्टिवेटेड स्लज क्वेश्चन नंबर 22, और ये सेट जो है वह G3 सेट है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या देख रहे हैं कि बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट्स एनिमल, तो कौन से फाइलम होंगे, तो प्लेटीहेलमिंथिस। तो इसका आंसर कहाँ से देखेंगे, ये भी होगा 11th क्लास से, 12th का नहीं होगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 60 में देखें। तो पेज नंबर 60 निकालते हैं, तो 60 निकालिए, एनसीईआरटी में प्लेटीहेलमिंथिस बायलेटरल हैं, सिलोम अब्सेंट हैं, तो ए सिलोमेट्स हैं, तो प्लेटीहेलमिंथिस। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटीहेलमिंथिस, और वह 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में मिला था। देन आफ्टर है आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड, तो ये 12th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 99 में है, तो 99 पेज नंबर निकालते हैं, 99। तो 99 जब निकालते हैं, जिसमें देखते हैं द बेसिक एमिनो एसिड्स कौन है, लाइसिन एंड अर्जिनिन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन, तो लाइसिन ये कहाँ मिला, मिला आंसर, तो 12th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 99 में। देन आफ्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द इम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, इसका आंसर ZIFT एंड IUT है, ये 12th एनसीईआरटी के पेज नंबर 64 में। तो चलिए 12th क्लास के एनसीईआरटी का 64 निकालते हैं हम लोग, 64, और 64 में जब ये यहाँ पर आप इसको रीडिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि पेज नंबर 64 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, GIFT एंड IUT। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 26। तो 26 में क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, तो आप सभी जानते हैं इसका होता है, दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज डन बाय, तो ये आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी पेज नंबर 83 में जो मॉर्गन साहब दिए थे, तो 83 हम लोग निकालते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 83 है, और यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय टी एच मॉर्गन। तो यहाँ पर आपको आंसर जो दिया हुआ है 27 का क्या होगा, मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये 12th क्लास के किस पेज में मिले थे, तो 83 एनसीईआरटी बुक में। देन आफ्टर 28 क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो 12th क्लास का है तो इसका आंसर 4 होंगे। तो ये देखते हैं ये तीनों डिजीज का नेम जो आपको मिलेगा एनसीईआरटी 12th क्लास 63 में। तो 63 पेज नंबर को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा आपको गोनोरिया, साइफिलिस और जेनाइटल हर्ब्स मिलते हैं, और ये पेज नंबर कितने में मिल रहे हैं आपको, तो 63 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन है, कहता फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। सभी जानते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये तो रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका आंसर देखिएगा पेज नंबर 211 ट्वेल्थ क्लास में। तो 211 को देखते हैं हम लोग। तो जब इसके अब डायग्राम को देखेंगे तो जैसे इससे सी पेप्टाइड चेन अलग हो गया, तो ए और बी है, तो ए और बी किससे कनेक्टेड हैं, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और यहाँ पर भी देखिएगा कि चेन ए एंड बी आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वह टू हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड नहीं होते, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30 को जब आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका आंसर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये आपको कहाँ मिलेगा, सॉरी 11th के एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 134 में। तो चलिए पेज नंबर 134 निकालते हैं। 134 तो मिल जाएगा। तो ये आपका पेज नंबर 134 और यहाँ पर आप देखेंगे कि गोल्जी एपरेटस इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्लियर कट हो गया कि गोल्जी बॉडी होंगे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से रिलेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। तो 31 में मैचिंग है, क्या कहता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरा मोनास्कस प्योरपरप्यूरस एस्परजिलस नाइगर, तो मैचिंग कराना है इसके साथ। तो ये आपको आप सभी जानते हैं 12 क्लास का क्वेश्चन है। तो पेज नंबर आपको मिलेगा 183 में। तो चलिए 183 निकालते हैं। तो जब 183 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एस्परजिलस नाइगर, ये क्या बनाते हैं साइट्रिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ये ब्यूटारिक एसिड बना रहे हैं, उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए जो है किससे ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम से और एस्टाटिन मोनास्कस परप्यूरस से। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम इससे क्या बनते हैं, तो ब्यूटारिक एसिड, तो ए का जो होगा अगर ब्यूटारिक एसिड देखें तो सेकेंड, तो ऑप्शन में देखिएगा कि ए का जो है सेकेंड सिर्फ फर्स्ट में है और किसी में नहीं, तो इसके बेसिस पर हम डायरेक्टली बना देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, तो इसके आंसर है कार्ल अर्नस्ट वॉन वेयर। ये 12 क्लास का है इवोल्यूशन चैप्टर 129 पेज नंबर में। तो 129 पेज नंबर को देखें तो इसमें क्या देखें, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशंस और यहाँ पर क्या देखें डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय द कर्न अस्ट वॉन वेयर। तो ये आपको पेज नंबर 129 में मिल जाते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 33 सीक्वेंस डेट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन ए वेक्टर टर्म, तो ये भी क्लास 12 के बायोटेक्नोलॉजी का है और पेज नंबर 199 और उड़ी बाबा हैं, उड़ी साइट है और ई ओ आर आई। तो 199 निकालते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं अगर हम एनसीईआरटी बुक सही ढंग से पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि और ये है आर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए और ये पेज नंबर आपको किस में 199 में मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट वीरोइड्स, तो क्लास 11 का है तो वीरोइड्स के बारे में से सभी को मालूम है फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, लेकिन ये आपको पेज नंबर 27 में मिल जाएगा एनसीईआरटी में 27। तो आप देख रहे हैं कि ये पेज नंबर 27 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्री आरएनए इट लैक्ड
द प्रोटीन, तो भी वाइट्स के केस में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो आगे क्या देख रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, तो ये 12th क्लास का है, इन्वायरमेंटल इशू, पेज नंबर 283 में देखेंगे इसको, 283। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो जो 35 है, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन वन टन ऑफ साइट्रिक एसिड, तो इसका वन आंसर होगा, और ये 11th क्लास के पेज नंबर 232 में। तो चलिए 232 निकालते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को सही ढंग से पढ़ें, जब ये इसकी तैयारी अच्छी हो जाए, ये आपका पेज नंबर 232, और यहाँ पर देख रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स, तो इसका आंसर यहाँ पर 4 है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगर इसके आंसर को देखेंगे तो एनसीईआरटी की पेज नंबर 50 और 51 में देखना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं 50। तो ओवुलेशन हम इसलिए जानते हैं कि 14th डेज में होते हैं, अगर इसका लाइनिंग इसके नीचे से अगर मिलाते हैं तो ये यहाँ पर आता है। तो इस केस में LH का लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा देन आफ्टर FSH, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोन ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये जब एक फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं तब यह प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH ये तो नहीं होंगे, जब जब ये हाई होते हैं तभी ओवुलेशन होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH ये भी नहीं होंगे, और फोर्थ में क्या, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के बारे में जानते हैं आप सभी कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल को कंट्रोल करते हैं, जिसमें प्यूबर्टी स्टेज भी आते हैं, जिसमें ओवुलेशंस होते हैं। तो इस केस में इसका आंसर क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो निश्चित है फिनाइलिक्यूटिनेरिया, सिकिल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया है, तो क्लास 12 के जेनेटिक्स से हैं, तो इसका सिकिल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोमल्स, पेज नंबर 90 में देखेंगे, पेज नंबर 90। तो 90 में देख रहे हैं कि सिकिल सेल एनीमिया है, ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप कर सकते हैं। उस पर क्यूबॉइडल इपिथिलियम विथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, तो ये क्लास 11th का है, 11th के एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 294 में देखेंगे, तो आपको प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन, तो पेज नंबर कितना देखना है, 294, तो 294 निकालते हैं, 294। तो 94 जब निकालते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि PCT के केस में सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम, ये क्वेश्चन है इससे, और ये पेज नंबर कितने हैं, तो अब गौर से देखें 294। तो क्यूबॉइडल इपिथिलियल विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविली, तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल जो मिला किस में, पेज नंबर 294 में। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, तो इसमें क्या देखें, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजंस इज ड्यू टू, तो क्लास 12 का है, तो ऐसे सभी जानते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेज, लेकिन इसको बुक में देख रहे हैं पेज नंबर 283 12th क्लास में, 283। तो यहाँ पर देखिएगा स्नो ब्लाइंडनेस है,
हाई डोज ऑफ यूवी रेस हैं और ये पेज नंबर आपका 283। उसके बाद देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर अलगी, तो इसमें क्लोरेला एंड एस्पायरुलिना है। तो एस्पायरुलिना तो क्लास 12th में भी सिंगल सेल प्रोटीन में जानते हैं और 11th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 में देखें, तो 32 में देखते हैं हम लोग। 32 में जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा क्लोरेला, ये क्या है, यूनिसेलुलर। तो क्लोरेला है ही यूनिसेलुलर और क्लास 12th में आप सिंगल सेल प्रोटीन में एस्पायरुलिना भी पढ़े हैं, तो देखिए उसको भी दिखा देखते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के केस में। सिंगल सेल, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन और यहाँ पर आप एस्पायरुलिना को देखेंगे तो एस्पायरुलिना आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये अलगी है एस्पायरुलिना जो कि सिंगल सेल प्रोटीन यूनिसेलुलर ही होते हैं, इसके बारे में तो आइडिया है ही आपको। अब क्वेश्चन नंबर जो देखते हैं वो 42 है। तो 42 में क्या कहता है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए प्लांट सो फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स, तो इसका पेज नंबर 93 में आंसर मिलेगा जो मोनोकोटिलेडनस एसटीएम है। तो इसका कैरेक्टर्स दिया है लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल, लार्ज कॉन्स्पेसियस पेरेन्काइमेटस, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट फ्लोएम। चलिए 93 में देखते हैं 11th क्लास में, 11th क्लास 93। तो ये आपका है मोनोकोटिलेडनस सिस्टम्स, लार्ज नंबर ऑफ स्केटर वेस्कुलर बंडल है, कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ग्रोथ हैं, पेरीफेरल फ्लोएम पेरेन्काइमा जो हैं अब्सेंट हैं। तो ये मोनोकोटिलेडनस सिस्टम्स के करेक्टर है। तो इसका आंसर 42 G3 सेट का क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलेडनस सिस्टम। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 43 में हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स, तो इसका आंसर 14 होते हैं। तो इसको आंसर देखना है तो पेज नंबर 70 क्लास 12th में देखें, क्लास 12th पेज नंबर 70। तो ये पेज नंबर 70, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पीस। तो जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो क्या कहता है, हाउ मेनी, तो कितना, 14, पेज नंबर 70 12th क्लास में। उसके बाद है कि फ्लोरीन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर, तो इनका सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। देन आफ्टर 45 में कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द G1 फेज ऑफ इंटरफेस, तो इसका करेक्ट जो आंसर है, वह सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव ग्रोथ बट डस नॉट रिप्लीकेट इट्स DNA। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो आप देखेंगे वह पेज नंबर 163 में देखेंगे 11th क्लास में। तो चलिए 11th क्लास 163 यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें यहाँ देख रहे हैं कि G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव कंटिन्यूस ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स DNA। तो किसमें, तो G1 फेज में। तो ये आपका G1 फेज के केस में, इसको हम लोग देखें, सेकेंड ऑप्शन सही होंगे। 46 को देखें, बाय विच मेथड वॉज ए न्यू ब्रीड हिसार्डेल ऑफ शिप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरिव्स ईव्स एंड मारिनो रेम्स, तो जानते हैं क्लास 12 का है। तो पेज नंबर 168 और ये क्रॉस ब्रीडिंग में आते हैं, कौन, हिसार्डेल और बीकानेरी ईव्स। तो पेज नंबर 168 किसका निकालेंगे, क्लास 12 का, पीस नंबर 168। तो 168 देखिए, पीस नंबर 168 है और ये आपका हिस्सा डेल बिकावेरी विस मारिनोडेम्स क्रॉस ब्रीडिंग में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग।
47 देखते हैं कि आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी, तो इसमें आंसर होगा दो, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रेफरेंस, क्योंकि ये स्लो होता है, यहाँ क्विक दिया हुआ है, तो फिर भी देखें पेज नंबर 152 12th क्लास के NCERT बुक में 152। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो और यहाँ पर क्या दिया है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, इसी के बेसिस पे कर लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछ रहा है, क्लास 12 का है, पेज नंबर 197 में मिलेगा, गा ए टी सी, गाना गाइए टी सी लेके और इसी को अपोजिट गा ए टी सी, तो देखिए 197, तो 197 हम देखेंगे तो ये आपको सीक्वेंस मिलेगा गा ए टी सी, गा ए टी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, इसमें कैलकुलेट लेंथ करना है किसका, तो डीएनए का जो 2.2 मीटर होते हैं, ये इसके क्या कहते हैं बेस पेयर्स, उसके बाद यहाँ पर नैनोमीटर में आपको दिए हुए हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव 0.34 करके, तो इसका आंसर आप देखें पेज नंबर 99 में, यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई करके 6.6 ये करके यहाँ पे 2.2 मीटर्स आते हैं, तो यहाँ पर 2.2 मीटर्स और ये पेज नंबर 99 में मिला। उसके बाद क्या कहता है, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच आर इज रिमूव्ड, कॉकरोच के हेड को रिमूव करने से क्या होता है, तो इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, तो इसका क्वेश्चन आंसर सेकेंड होगा कि हेड होल्स ए स्मॉल पोर्शन, ये क्लास 11 के NCERT में पेज नंबर 114 में मिलेंगे। चलिए 114 को देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल बी स्टिल लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ में दिया कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू, मतलब ये पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ लेंगे इसी में इसका आंसर है, जो कि पेज नंबर किस में है 140 में, तो ये आप यहाँ देखें पेज नंबर 140 में। तो आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन 51 से 90 होंगे वह भी NCERT से रिलेटेड हैं, उसमें भी आपको बताएंगे वह किस पेज नंबर से बिलोंग करते हैं।